क्वेश्चन बेस्ट ऑन द एनसीआर बुक आपका चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर क्लास एट चैप्टर नंबर इलेवन हम लोगों ने इससे पहले इसी चैप्टर का आउटलाइन देखा है यानी कि समरी देखा है और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपका सी टेट में घुमा घुमा कर पूछता है और डायरेक्ट भी पूछता है तइए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं द प्रेशर विच इज एग्जेड बाई एयर अराउंड अस इज नॉन एज हवा से जो प्रेशर लगता है आ, उसे हम लोग क्या जानते किस नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर ए फोर्स जानते हैं बी एटमोस्फेरिक प्रेशर सी मस्कुलर फोर्स डी फ्रिक्शन आपका बी आंसर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये आंसर देखते हैं बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं ए नॉन कंटैक्ट फोर्स बी कंटैक्ट फोर्स सी फोर्स डी प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है इसीलिए आपका डी आंसर हो जाएगा राइट right आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ए डैश एक्जेक्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज ए फोर्स एक के द्वारा दूसरे पर जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए पुश और पुल ऑप्शन नंबर बी कंटैक्ट और नॉन कंटैक्ट फोर्स ऑप्शन नंबर सी प्रेशर ऑप्शन नंबर डी मैग्नीट्यूड आपका ए आंसर होगा पुश और पुल आई आंसर देखते हैं ए राइट आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं द फोर्स एक्जेड बाई द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट वेल्फ इज कॉल्ड वह फोर्स जो पृथ्वी के द्वारा लगता है उसे क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन नंबर सी मस्कुलर फोर्स ऑप्शन नंबर डी कंटैक्ट फोर्स आपका बी आंसर होगा ग्रेविशनल फोर्स जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं राइट आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स ऑप्शन नंबर एक नॉन कंटैक्ट फोर्स ऑप्शन नंबर बी कंटैक्ट फोर्स ऑप्शन नंबर सी ग्रेविशनल फोर्स ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक फोर्स आपको मस्कुलर फोर्स को कंटैक्ट फोर्स भी बोलते हैं जिसको संपर्क बल बोलते हैं आइए आंसर देखते हैं सही है बी क्वेश्चन नंबर सिक्स द फोर्स एक्जेक्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज एक चार्ज बॉडी से जो दूसरे चार्ज बॉडी के साथ फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए ग्रेविशनल फोर्स ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑप्शन नंबर सी नॉन कंटैक्ट फोर्स ऑप्शन नंबर डी कंटैक्ट फोर्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इलेक्ट्रो फोर्स आंसर देखते हैं बी राइट आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन फोर्स चेंज द ऑप्शन नंबर ए फोर्स बदलता है चेंज होता है क्या ऑप्शन नंबर ए मोशन ऑफ द बॉडी ऑप्शन नंबर बी स्पीड ऑफ द बॉडी ऑप्शन नंबर सी शेप ऑफ द बॉडी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑक् आपका तीनों चेंज होता है मोशन स्पीड और शेप जैसे फोर्स लगता है आंसर देखते हैं डी राइट आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं द फोर्स एक्जेड बाई हमारे मसल से जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी ए इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑप्शन नंबर बी मस्कुलर फोर्स ऑप्शन नंबर सी ग्रेविशनल फोर्स ऑप्शन नंबर डी नॉन कंटेक्ट फोर्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मस्कुलर फोर्स है आइए आंसर देखते हैं राइट है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ वन किलो ग्राम वेट इज इक्वल टू तो ऑप्शन नंबर बी, आ, 98 बी .98 कुछन, कुछन ए नाइनटी एट न्यूटन ऑप्शन नंबर बी नाइन पॉइंट एट न्यूटन ऑप्शन नंबर सी जीरो पॉइंट नाइन एट न्यूटन ऑप्शन नंबर डी जीरो पॉइंट जीरो नाइन एट नीटर आपका बी आंसर होगा नाइन पॉइंट एट नीटर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेंथ ए स्प्रिंग बैलेंस ज यूज फॉर मेजरिंग स्प्रिंग बैलेंस किस को मापने के लिए यूज होता है ऑप्शन नंबर ए मास ऑप्शन नंबर बी वेट ऑप्शन नंबर सी प्रेशर ऑप्शन नंबर डी स्पीड आपको वेट होना चाहिए बी राइट आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ टू बॉयस ए एंड बी आर प्लेइंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक अप्लाइंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक एक ब्लॉक है उस पर दो बॉय ए और बी उस पर फोर्स लगा रहा है उस ब्लॉक पे इफ़ द ब्लॉक मूव्स टूआ द ए अगर ए की ओर ब्लॉक मूव करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही ऑप्शन नंबर ए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए अप्लाइड बाई ए इज ग्रेटर दैन डेट ऑफ बी ये आपका गलत हो गया बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर दैन डेट ऑफ बी आपका बी ही सही होगा क्योंकि ए का जो मैग्नीट्यूड है बी से कम है आई आंसर देखते हैं बी राइट आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखते हैं व्हेन टू फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स एक्टिंग इज जब दो फोर्स बल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो नेट फोर्स क्या होगा सम ऑफ द टू फोर्स ऑप्शन नंबर बी डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस ऑप्शन नंबर सी ऑफ ऑफिज ऑप्शन नंबर डी नन ऑफिज आपका डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस जब दो फोर्स लगता है तो डिफरेंस हो जाता है दो फोर्सों के बीच में आंसर देखते हैं बी राइट आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन देंथ द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाई इट्स द फोर्स का जो स्ट्रेंथ है किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है ऑप्शन नंबर ए वेट बी मास सी मैग्नीट्यूड डी लॉन्गिट्यूड आपका सी होगा मैग्नीट्यूड के द्वारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लिप्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू पत्ता पेड़ से गिरता है किसके चलते किस बल के कारण इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविशनल फोर्स मस्कुलर फोर्स आपका गुरुत्वाकर्षण बल right के कारण ऑप्शन नंबर सी इज द राइट एंसर ग्रेविशनल फोर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन स्टेट ऑफ द मोशन इज ए डिस्क्राइब बाई मोशन जो स्टेट है डिस्क्राइब होता है पोजिशन ऑफ द रेस्ट ऑप्शन नंबर बी पोजिशन ऑफ द मोशन ऑप्शन नंबर सी बोथ बाई स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑप्शन नंबर डी नाना तेज आपका सी होगा बाई बोथ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वेन द हैमर स्ट्राइक द गोंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल जब इलेक्ट्रिक बेल से हैमर से हथौड़ा से मारा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ हैमर उस पर कौन सा हैमर का जो मूवमेंट होता है मूवमेंट के लिए कौन सा फोर्स लगता है ग्रेविशनल फोर्स ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फोर्स ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑप्शन नंबर डी फ्रिक्शनल फोर्स आपका सी आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है राइट right आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ड्यूरिंग ड्राई वेदर सूखे मौसम में वाइल्ड कंबिंग हेयर जैसे uh, कंघी से बाल झाड़ा जाता है सम टाइम वी एक्सप्रेस हेयर फ्लाइंग ए पार्ट कुछ देर में जो हेयर होता है ऊपर की वो उठने लगता है उड़ने लगता है द फोर्स फॉर दिस इसके ये, इसमें कौन सा फोर्स लगता है ऑप्शन नंबर ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑप्शन नंबर बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक फोर्स आपका सी आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन ए कंटेनर इज ए फिल विथ वाटर एज सोन इन फिगर एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है विच ऑफ़ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर इसमें तीन प्रेशर लग रहा है ए के द्वारा बी के द्वारा और सी के द्वारा और इसमें करेक्ट कौन सा है प्रेशर ए ग्रेटर दैन प्रेशर बी ग्रेटर दैन प्रेशर सी आपका सी इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है सी के पास क्योंकि इसका जो सबसे बॉटम में है आप देख सकते हैं ये सी तब बी पे प्रेशर लग रहा है तब ए पे प्रेशर लग रहा है तो इसलिए आपका डी hmm. राइट आंसर है आंसर देखते हैं डी राइट आंसर है सही है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर द रिपल्सन कूड़ बी ड्यूटी दो जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के वृद्धि में भाग रहा है यानी कि रिपेल हो रहा है इस किसके कारण होता है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण और मैग्नेटिक फोर्स के कारण आइदर ए मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रो फोर्स आपका दोनों होगा इसमें या तो मैग्नेटिक फोर्स के चलते रिपेल कर रहा है या तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के चलते इसलिए आपका डी राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हीच वन ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज ए कंटैक्ट फोर्स इनमें से कौन सा आपका कंटेक्ट फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये आपका कंटेक्ट फोर्स नहीं है ये ग्रेविशन के चलते लग रहा है बी मैग्नेटिक फोर्स ये भी आपका कंटेक्ट नहीं है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये आपका कंटैक्ट फोर्स है सी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स भी आपका कंटैक्ट फोर्स नहीं है इसलिए आपका बीस का सी आंसर होगा तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलन लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज के लिए इतना ही अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सबको धन्यवाद